लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एयरपोर्ट नामांतरण के लिए आज दारावे गांव में निवर्तमान नगर सेवक सुनील पाटिल के नेतृत्व में मशाल मार्च निकाला गया। एयरपोर्ट नामकरण समन्वय समिति के नेता दशरथ भगत एवं डॉक्टर राजेश पाटिल ने सिरौनी विद्यालय में यह मशाल सुपुर्द किया, जिसके बाद सुनील पाटिल ने दारावे गांव में यह मशाल मार्च निकाला और प्रकल्पग्रस्तों को एयरपोर्ट नामांतरण के लिए एकजुट रहकर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। देखिए रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे, युवा पाटिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, युवा पाटिल अमर रहे। संघर्ष से एक नाम, युवा पाटिल, युवा पाटिल। संघर्ष से एक नाम, युवा पाटिल, युवा पाटिल। संघर्ष से एक नाम, युवा पाटिल, युवा पाटिल। महाराष्ट्र सरकार नई मुंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल की बजाय बाला साहब ठाकरे का नाम देना चाहती है। इसे नाराज प्रकल्पग्रस्तों ने आज अगस्त क्रांति दिवस पर मशाल मार्च निकाला और सरकार के फैसले का विरोध किया। इसकी शुरुआत सिरौनी विद्यालय से हुई, जहां से मशाल लेकर निवर्तमान नगर सेवक सुनील पाटिल ने दारावे परिसर में मशाल मार्च निकाला और दीबा पाटिल का जय घोष करते हुए सरकार को जगाने का प्रयास किया। पुलिस सुरक्षा के बीच मशाल मार्च निकालने वाले सुनील पाटिल ने कहा कि दीबा पाटिल ने नई मुंबई शहर और प्रकल्पग्रस्तों के विकास के लिए अपना खून पसीना बहाया, इसलिए उनकी ज़मीन पर बनने वाले एयरपोर्ट पर किसी और का नाम मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम नहीं लग जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। जैने प्रकल्पग्रस्त न्याय हक्का आंदोलन उपोषण मोर्चे इधे अनेक धड़के यठिका सिडको राज्य शासना दिले आ प्रकल्पग्रस्त न्याय मिलनेस सतत्याने ते पुढ़ाकार घेतला। अशा आदरणीय लोकनेत नाव विमानतला मिलाव लगाव हा दृष्टिकोन प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ता अंतकरणा आज एक धड़क निर्माण है। आज क्रांति दिन है, यही पूर्वी शासनाला प्रकल्पग्रस्त वतीन एक साखी उपोषण कर मोर्चे का शांतते मध्यम कोरोनाच संकट आता देखी सर्व नियम घेन आज ये प्रकल्पग्रस्त मोर्चे दिले धड़क दिल तरी देखी शासनाच यठिका अजु का ही निर्णय यठिका आला नसाने आज 9 ऑगस्ट एक क्रांति दिन आज क्रांति आज यठिका ज्योत प्रकल्पग्रस्त हाथी घी है। ज्योत आज शांततेने आज झलकत है, परंतु प्रकल्पग्रस्त अंतकरण ज्योत जर भड़कली गई दिवा पाटिल साहबान नाव जर दिल नहीं तो ज्योत जर भड़कले गए तो हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भड़का उठल्याशिवाय राहणार नाही। असे या ठिकाणी मी राज्यस्तरावर सांगू इच्छितो की आपण या
प्रकल्पग्रस्त अंत्यकरण एक विचार समझुन घयाव आ नवी मुंबई अंत्यकरणाला विमानतला प्रकल्पग्रस्त साहबांच दिवा पाटील साहबांच नाव या ठिकाणी द्याव अशी एक प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही 1 इंडिया.